क्या आप जानते हैं कि ऑफिस में ज्यादातर समय डेस्क पर या घर में भी घंटों बैठे रहना बिना किसी काम के सेहत के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है, ये बात वैज्ञानिक तरीके से प्रूव भी हो चुकी है। एक रिसर्च में कहा गया है कि आलस हो या मजबूरी, घंटों बैठे रहने से दिमाग सिकुड़ने लगता है, जिससे भविष्य में अल्जाइमर्स की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर समय बैठकर बिताना हमें बुद्धू बना सकता है। लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में देखा कि आराम तलब जिंदगी जीने वालों का माइंड सिकुड़ जाता है। पहले हुई काफी रिसर्च में यह तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि नियमित रूप से लंबे समय तक बैठे रहने से दिल की बीमारियां, डायबिटीज और कई तरह के कैंसर होने का खतरा रहता है। रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स ने देखा कि आराम तलब जिंदगी जीने से दिमाग के वो हिस्से प्रभावित होते हैं जहां पर याददाश्त होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लोगों के माइंड में मीडियल टेम्पोरल लोब MTL में ग्रे मैटर काफी कम हो जाता है। इस क्षेत्र में गिरावट से फ्यूचर में डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ये स्टडी PLOS ONE जर्नल में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। एक्सपर्ट्स ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए 45 साल से 75 साल के वयस्कों की लाइफस्टाइल से रिलेटेड आंकड़ों का एनालिसिस किया। एक्सपर्ट्स ने रिसर्च में शामिल सभी वॉलंटियर्स का MRI स्कैन किया, जिसमें MTL का विस्तृत ब्यौरा था। माइंड के इस हिस्से में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें दर्ज होती है। इस रिसर्च से ये बात प्रूव हो गई है कि अगर हम ज्यादा टाइम तक खाली बैठे रहते हैं बिना किसी काम के, खाली बैठे रहने से हमारी माइंड पावर कम होने लगती है और हमारा दिमाग बुद्धू बनने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए अभी से आलस छोड़कर अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखिए और अपने दिमाग को बुद्धू बनने से रोकिए। टेक केयर, एंजॉय हैप्पी लाइफ। नमस्कार।